हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का भी 10 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक गांव, शादी घर, मेरा सिस्टर का गांव है। तो चल अभी बस में सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और गर्मी से हम लोग परेशान हैं। देख सकते हैं दृष्टि लोगों को कि कहाँ बैठी है। और दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सिस्टर घर और थोड़ा सा बैठ के आराम कर रहे हैं। और सर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गांव में भी, लेकिन पेड़ उड़ के नीचे थोड़ा सा आराम लगता है। तो चलिए दिखाते हैं, शादी भी चल रहा है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। चेयर क्यों ला रहे बेटा? वाह, तीन चेयर। हाँ, तीन चेयर में सो रहे हैं। और देखो दृष्टि चेयर ला रही है। चेयर क्यों ला रहे हैं? दोस्तों फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, गांव आ गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ सिस्टर घर आए हैं और मैरिज देखे, जो मैरिज कंप्लीट हो चुका है, शाम को पार्टी है। और ऊपर जो है अल्बेस्टर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा यहाँ गर्मी है गांव में भी। पेड़ के छांव पर थोड़ा सा राहत है तो, और क्योंकि तेज़ धूप होने के कारण क्या कह रहे हैं। और ये देखिए दृष्टि क्या खा रहे हैं बेटा? मूंग दाल। मूंग दाल ये भांजा है, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? वन, स्टैंडर्ड वन में। और दृष्टि आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? कौन सा क्लास में? फोर्थ क्लास में। झूठ क्यों बोलते हैं? एलकेजी में। और दोस्तों देख सकते हैं जनरेटर अचानक बंद हो गया और सब मोबाइल जला के सब डिनर कर रहे हैं। तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनरेटर अचानक बंद हो जाता है कुछ कारणवश, और खाते रहते हैं लोग तो मोबाइल से ही अपना काम चला रहे हैं। मोबाइल का ज़माना है तो सब अपने अपने पास रखते हैं मोबाइल, सो मोबाइल के साथ डिनर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कल देर रात हो गया था, सुबह उठ के आज हम लोग बस यहाँ सिस्टर बना रही है ये चावल, और सविता और दृष्टि दोनों बात कर रहे हैं आपस में। और हम लोग कुछ देर बाद निकलने वाले हैं बंडा मुंडा के लिए। और ये देख सकते हैं गांव का दृश्य, और ये पत्थर है, इस पत्थर से ही गांव में, यहाँ जो है गांव में घर बनाया जाता है और बहुत ही मजबूत पत्थर होता है। शादी ख़त्म, अब हम लोग लौट रहे हैं अपना कर्मभूमि राहुल किला। और ये स्टेशन है छोटा सा, इसका नाम है लोटा पहाड़। दिखाते हैं, चलिए अभी हम लोग का पैसेंजर गाड़ी आएगा, उसका नाम है DMO पैसेंजर, जो चक्करधरपुर से लेकर राहुल किला तक। लोटा
तो दोस्तों देख सकते हैं ये छोटा सा स्टेशन लोटा पहाड़, और यहाँ बस फिलहाल तो एक ही गाड़ी आएगी जिसका नाम है सरंडा मेमो पैसेंजर, और उसको प्यार से लोग मेला गाड़ी भी कहते हैं। सुबह 6:30 बजे चक्रधरपुर से खुलती है और रालकला लगभग 9 बजे पहुँचती है। तो फिलहाल हम लोग उसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और ये देखें मालगाड़ी भी खड़ी है और देखते हैं कितना देर में पहुंचती है। सीकेपी से खुल गई है, और ये देखिए सविता और दृष्टि, और देखिए लिखा हुआ लोटा पहाड़, पता नहीं किसी करके नाम पड़ेगा लोटा पहाड़, खूबसूरत नाम है दोस्तों। दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग गाड़ी में चढ़ चुके हैं, और यही है सरंडा मेमो पैसेंजर, और फिलहाल बादाम वदाम कुछ ली है दृष्टि, वही उसी का एंजॉय कर रही है। और आज इतना फिलहाल तो भीड़ नहीं है, लेकिन इतना सारा भीड़ रहता है कि जगह नहीं होता है खड़ा होने के लिए। आज थोड़ा सा राहत है, और सुबह सुबह कम अभी सफ़र है, और धूप भी उतना निकला नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। और दोस्तों फाइनली मुझे सीट मिल चुका है, और बहुत ही लंबा जर्नी हो जाता है मनोहरपुर के बाद, आधा घंटा का हम लोग का है सफ़र, लेकिन यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और टाइम पास के लिए फिलहाल बादाम, और ये जितने की दृष्टि सो गई है, और सारे यार गेम में बिजी है। और दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं भालूलता, और लगभग यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ट्रेन खड़ी है, और ये देख सकते हैं भालूलता। यहाँ से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का सफ़र है, लेकिन हमको लगता है कि 1 घंटा से पहले हम लोग नहीं पहुँचेंगे बंडा मुंडा। अभी जाके इतना बिजी, और इधर भालूलता से तो मौसम बहुत ही अच्छा किया है आज, और देख सकते हैं गिट्टी जो भींगा हुआ लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा बारिश से पहले हो चुकी है और होने की संभावना है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आज तो ऐसे में तो मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से धूप 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 गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लेकिन मौसम आज थोड़ा साथ दिया है। आज हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, और यहाँ फाटक में उतर गए, बहुत देर से ट्रेन खड़ी थी, और ये देखिए कुली नंबर 1। चलिए अब भी थोड़ा चलिए पैदल, मामा आ रहा है, दौड़ पड़ी। और ये मेरे साला कल से आया हुआ था, अकेले था, और फिलहाल लेने के लिए आ गया है। हाय अर्जुन बहुत मुश्किल आज, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, जहाँ 2 घंटा का 2 घंटा का सफर 5 घंटा। चलिए ए चले चले रही सब आ रहे हैं।
मनोज भैया सो गए हैं।